डॉक्टर महिप सिंह आपकी सारी कहानियों का जो संग्रह छपा है उससे पहले आपकी कहानियों का एक संग्रह आया सहमे हुए सहमे हुए की कहानियों का जो रचनाकाल है वो काफ़ी लंबा है उसमें पहली कहानी 1961 की है और उसके बाद जो अंतिम कहानी है वो भी कई वर्ष बाद की कहानी है ये सारी कहानियाँ एक विशेष विषय विशे को लेकर एक विशेष वस्तु को लेकर लिखी गई हैं इनमें से जितनी भी कहानियां हैं वो सारी कहानियां या तो देश के विभाजन से संबंधित हैं या सांप्रदायिकता के विष को लेकर लिखी गई हैं। इनमें से जो पहली आपकी कहानी है पानी और पुल ये कहानी आपकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और लगभग जो है उनतालीस साल पहले उन्नीस में ये प्रकाशित हुई थी लगभग उनतालीस साल पहले की कहानी है इस कहानी को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो हालांकि जिस तरह से आपका जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान आज कहलाता है उसके साथ संबंध रहा है मेरा वैसा कोई संबंध तो नहीं रहा है, लेकिन उसको पढ़ते हुए जो है मैं भावुक हो उठता हूँ इस कहानी के पीछे जो है आपकी प्रेरणा क्या है बात यह कि जिस समय मैंने ये कहानी लिखी थी देश का विभाजन हुए लगभग तेरह चौदह वर्ष व्यतीत होकर चुके थे और बीच का एक ऐसा समय था जबकि भारत से पाकिस्तान की तरफ जाना या पाकिस्तान से इधर आने की बात बहुत कम थी परंतु फिर पर धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ और बहुत से सिख परिवार पाकिस्तान में जाते थे वहाँ के गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जैसा आज भी जाते हैं मेरी माँ और मेरे एक दूर के मामा जी उन्हीं दोनों में यानी सन साठ के पास वो पाकिस्तान गए और पंजा साहब जो हसन अब्दाल स्टेशन है वहाँ वहाँ गए संयोग ऐसा था कि वो जो हमारा गांव है झेलम के बिल्कुल पास वहाँ से वो गाड़ी गुजरती थी और रात में वो गाड़ी वहाँ खड़ी हुई एक संस्पर्ण उन्होंने मुझे सुनाया कि किस तरह से जब वो गाड़ी उस छोटे से स्टेशन पर रुकी सराय आलमगीर उस स्टेशन का नाम है पर हम लोग बातचीत तो में उसको सराय कहते थे तो वहाँ बहुत से उस गांव के जो मुसलमान परिवार के लोग थे वो स्टेशन पर इकट्ठे थे और वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये जो गाड़ी जा रही है जिसमें कि भारत के बहुत सारे यात्री जा रहे हैं क्या इनमें कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इस गांव का है तो बार बार स्टेशन पर वो अंधेरे में बुला रहे थे और माँ ने कहा कि हाँ मैं इस गाँव की उस समय जो प्रतिक्रिया देखने को मिली और उन गाँव के बूढ़े जवान लोग जो केवल इस आशा में आए हुए थे कि यहाँ इस गाड़ी में इस गांव का कोई होगा उन्होंने किस तरह से उनका स्वागत किया और कितनी आत्मीयता से उन्हें ग्रहण किया और अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हुए थे वो माँ को किस तरह से दी ये अनुभव मेरी माँ ने मुझे सुना मैंने उसके आधार पर ये कहानी लिखी और अपने आप को उस कहानी का एक पात्र बना लिया नहीं लेकिन इस कहानी को पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है जैसे उस यात्रा में आप भी साथ नहीं मैं साथ नहीं था हाँ पर जब कहानी मैंने सुनी तो मैंने उसको आत्मसात किया और मैंने अपने आप को एक पात्र तो उसका बनाया पर यह अनुभव मेरी माँ का था लेकिन ऐसा है ना कि मैंने जैसा अभी कहा कि इस कहानी को पढ़ते हुए कभी ऐसा नहीं लगता कि उस समय आप नहीं थे दूसरी चीज़ ये है कि इस संग्रह में आपकी एक और कहानी है जो इसी विभाजन से जुड़ी हुई है दिल्ली कहाँ है और ये कहानी आपकी दिल्ली कहाँ है कहानी और, और लोगों ने भी जो इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे ये जो विभाजन है वो विभाजन व्यक्तियों या आम आदमी के बीच में नहीं हुआ है क्योंकि जो पाकिस्तान में मुसलमान यहाँ से गया है वो यहाँ के लिए तड़प रहा है और जो पाकिस्तान से सिख या हिंदू यहाँ आए हैं वो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं जिस अपने जो मूल चीज़ है इसको लेकर बहुत सारे कहानियाँ और बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं आपकी इन कहानियों से ये जो चीज़ सामने आती है वो क्या इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि ये जो विभाजन है ये राजनीति करती है यहाँ बात तो तय है कि मनुष्य मूलतः मेरा विश्वास ये है कि मनुष्य मूलतः एक बहुत अच्छा प्राणी होता है वो सद्भाव के साथ सभी लोगों के साथ जीना चाहता है सबसे वो प्रेम करता है सबसे स्नेह करता है और उस समय वो ये भूल जाता है कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ सिख हूँ मेरा मेरी जात या मेरा धर्म क्या ये भूल जाता है परंतु जब वो सामूहिकता में आता है जब वो समूह में इकट्ठा होता है और जब उसको एक बात के लिए प्रेरित किया जाता है तो एक वक्ति उन्माद एक समय का एक उन्माद उसके अंदर पैदा होकर तो वो व्यक्ति नहीं रहता एक समूह का हिस्सा बन जाता है और फिर ऐसे वो काम करता है जिसके हम कभी एक अच्छे मनुष्य से जिसकी अपेक्षा नहीं करते ये जो दिल्ली का कहाँ है कहानी है ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है लगभग पानी और पुल लिखने के बीस 25 वर्ष बाद ये कहानी लिखी गई मैं खुद लाहौर गया था और वहाँ मेरा जो अनुभव हुआ कि कैसे वहाँ के लोग कितनी आत्मीयता से कितनी गहराई से भारत से आए हुए व्यक्ति से मिलते हैं और ख़ास तौर से उससे वो यहाँ से जो लोग वहाँ गए हुए हैं जब वो मिलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो जो दिल्ली वो छोड़ आए वो जो शहर वो छोड़ा है उसका क्या हाल है तो इसमें वो कितने भावुक हो जाते हैं परंतु मनुष्य जो है उसका जो अंदर का सद्भाव है उसका जो प्रेम है जो उसकी मानवता है उसके प्रति मेरी आस्था है नहीं आपकी आस्था के साथ साथ मुझे इन कहानियों को पढ़ते हुए ये भी लगा है कि जो जैसा आपने जो सहमे हुए जिस कहानी पर इस संग्रह का नाम रखा है उस कहानी में आपने कहा भी है कि व्यक्तियों का व्यक्तियों के आधार पर तो विभेद नहीं होता है न धर्म के आधार पर होता है न जाति के आधार पर होता है ना और इस तरह के जो बांटने वाले आधार हैं लेकिन दो चीज़ें आपने उसमें संकेत किया है बांटती हैं एक चीज़ तो है सत्ता और दूसरी चीज़ है उस सत्ता के साथ आने वाला पैसा या धन और यही जो दो चीज़ें हैं वो सामूहिक उन्माद पैदा करके लोगों को लड़ाती हैं और लोग जो हैं उस उन्माद में लड़ते हैं हालांकि व्यक्तिगत रूप से उनकी कहीं कोई दुश्मनी एक दूसरे के साथ नहीं होती है अब इसको लेकर जो आपकी दृष्टि है वो इन सभी कहानियों में उभर के सामने आती है और वो दृष्टि ये है कि चाहे आदमी जो है वो एक बार को लड़े लेकिन लड़ने के बाद जो उसकी मूल मनुष्यता है जो मूल उसकी सद्भावना है वो कभी नहीं मरती है ये जो इन कहानियों में आपने लगभग सभी कहानियों में ये जो मनुष्यता को रेखांकित किया है मनुष्य की ये आपका जीवन दर्शन है सचेत रूप से आपने इसको ग्रहण किया है या ये सहज रूप से इन कहानियों में से उभर मैं मानता तो हूँ बहुत सहज रूप से आया कहानियों तो है कहानियों में तो ये मेरा अंतरंग है वो जो सिर्फ जो सहजता से आता है जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी कहानियां एक बड़ी लंबी अवधि की कहानियां हैं और अलग अलग संग्रह में पहले आ चुकी हैं इनको मैंने एक स्थान पर इसलिए इकट्ठा किया कि सांप्रदायिक तनाव के संबंध में जो मेरी कहानियाँ हैं वो एक जगह पर आ जाएँ और शायद जैसे दृष्टिकोण भी मेरा स्पष्ट हो तो इसमें मैंने विभाजन की कहानियाँ भी ली हैं एक सामूहिक जो है सांप्रदायिक हमारे यहाँ विद्वेश फैल जाता है और जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से सहमा हुआ होता है जो सहमे हुए कहानी में या जैसे एक इस कहानी में एक प्रतीकात्मक कहानी है डर कि हर व्यक्ति हर समूह एक दूसरे समूह से डर। डरा महसूस करता है जबकि ऐसा कोई कारण नहीं होता सन चौरासी में जो कुछ इस देश में हुआ उस पर भी आधारित तो इसमें इस मेरे ख्याल लगभग चार कहानियां हैं। हैं जो चौरासी तो, पर आधारित तो उनमें भी आपने इस बात को बार बार रेखांकित किया है जैसे मरता हुआ दिन में वो जो गुरुद्वारा शीशगंज में एक सरदार आता है हरबंश हरबंश सिंह उसके बाद जो बदमाश हैं या गुंडे हैं वो उसकी पिटाई करते हैं लगभग उसको मरणासन छोड़ देते हैं उसके बाद वो जाता है तो एक काली वो झुग्गियों में रहने वाले लोग जो हैं उसको गुड़ और पानी देते हैं अब ये सिर्फ कहानी में नहीं ये तो हमको वैसे भी जीवन में भी देखने के लिए मिलता है कि जिनको हम बहुत ही सामान्य लोग मानते हैं और जो बिल्कुल समाज के हाशिए पर होते हैं उनमें भी जो मानवीय उदातता है वो उभर कर सामने आ जाती है अब ये जो कहानियाँ चौरासी में जो कुछ हुआ और आप उसमें जिन के खिलाफ हुआ था उस वर्ग से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपकी भावना ने कितना कितनी बड़ी भूमिका इसमें अदा की है मतलब अगर मान लीजिए आप से ना तो होते नहीं तो भी शायद बहुत अंतर तो, नहीं पड़ता हाँ तो भी बहुत अंतर नहीं पड़ता क्योंकि सहमे हुए में नहीं मेरी भूमिका नहीं, नहीं है, है, है जैसे पानी जैसे एक पात्र कहानी जो है ना उसमें मोहर राकेश की भी एक कहानी मलवे का मालिक हा, 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 तो मोहर राकेश ने तो पाकिस्तान मुसलमान और हिंदुओं के विभाजन को लेकर लिखा ले लेकिन इस चौरासी के दंगों को लेकर और भी कुछ लोगों ने कहानियां हिंदी में काफी लिखी काफी लिखी आपको शायद स्मरण हो कि उन्हीं दोनों में एक पुस्तक हमारी मित्र हैं सुरेंद्र तिवारी उन्होंने संपादित की थी काला नवम्बर नाम से उसमें हिंदी की सत्ताईस कहानियां जो इस विषय को लेकर लिखेंगे उनका संग्रह है उसमें काला नवंबर में उसमें मेरी तो एक कहानी है मैं समझता तो हूँ इस पर बहुत अच्छी कहानियाँ हिंदी में लिखी गई बाद में उन कहानियों में से बहुत कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद भी एक अंग्रेजी प्रकाशक ने उसे प्रकाशित किया और वो भी काला नवंबर नाम से ही किया मैं समझता तो हूँ कि हिंदी में ऐसी काफ़ी कहानियाँ लिखी गई बाकी भाषाओं में तो जो लिखी गई हूँ और वहाँ भी हमारा जो आग्रह इस बात पर रहा कि ये जो मनुष्य में एक प्रकार की पशुता एक समय आ जाती है ये उसका मूल चरित्र नहीं है मनुष्यता और मानवीय दृष्टिकोण ही उसका मूल चरित्र है ये पशुता तो एक सामयिक उन्माद है जो किन्हीं कारणों से उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है शायद इन कहानियों को एक स्थान पर लाने के पीछे मेरा उद्देश्य भी था कि हम आ, उस व्यक्ति को पहचान सकें जो सचमुच मनुष्यता का प्रतिनिधित्व तो करता है हमारी दृष्टि उस व्यक्ति को देखकर न बने जो एक उन्माद में आकर पशुवत व्यवहार करता है तो हमारी घृणा का कई बार व्यक्ति ही पात्र नहीं बनता बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि समूह के समूह हमारी घृणा का पात्र हो जाता है जो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है नहीं वो तो ले... लेकिन वही जैसा है ना कि इसमें होता है वो एक वर्ग विशेष होता है जो उस उन्माद में बहरा होता है और उसमें ऐसी तमाम घटनाएं दिल्ली में हुई जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से भी गवाह हूँ जिसमें तमाम जो सिख परिवारों की रक्षा उन लोगों ने की जिनको जो सिख नहीं सिवाय थे इसके थे के 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 कि भाई व्यक्तिगत रूप से या तो परिचित था या अड़ोसी पड़ोसी तो इस बात को जो है बराबर रेखांकित किया गया कि मनुष्य में जो पशुता और जो देवत्व है उनके बीच में द्वंद्व चलता रहता है इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छा एक निबंध लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं <laughs> और उन्होंने ये प्रतीक माना है कि नाखून जो है मनुष्यता की पशुता के प्रतीक है <laughs> और ये जब तक नाखून मनुष्य के रहेंगे और नाखून बढ़ते रहेंगे तब तक आदमी की ये पशुता समाप्त नहीं होगी लेकिन उसके ऊपर आदमी का देवत्व हमेशा विजयी होता रहता है आपने भी अपनी इन सारी कहानियों में इस बात को बार बार रेखांकित किया है ये सारी के सारा जो उन्माद है वो तात्कालिक और क्षणिक होता है कुछ विशेष लोगों के द्वारा प्रेरित होता है अंत में जो विजय होती है वो मनुष्य की मनुष्यता की या उसके देवत्व की होती है उसकी पशुता या उसके राक्षसत्व की नहीं होती मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि अनायास रूप से मैं अपनी कहानियों के माध्यम से जो बात कहना चाहता था वो आप तक हमारे बहुत सारे पाठकों तक पहुंची है और मैं समझता हूं किसी लेखक की कि सफलता यही है कि वो अनायास रूप से वो बात उन लोगों तक पहुंचाए कि जिससे कि एक उनको अपना जीवन दर्शन और अपना जीवन का दृष्टिकोण बनाने का अवसर उनको मिल जाए नहीं तो हम लोग तो जिसको स्वीपिंग रिमार्क्स हैं वो कहने के आदि होते हैं कई बार हम सभी मुसलमानों को आ, उनका आ, उनका विरोध करना शुरू कर देते कई बार हम समूह हिंदू समाज को एक कटघरे में खड़ा आ, कर देते हिंदुओं में आजाद खाता है कई बार हम कहते हैं सब सिक्खी ऐसे होते हैं मैं समझता हूँ कि इससे उबर कर हम उनमें से जो उनका इंसान है अंदर का उसको अगर पहचाने तो समाज के अंदर एक न, सद्भाव उत्पन्न करने में और उसको बनाए रखने में हम शायद अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकते हैं इनमें मैंने एक बात और लक्षित की है कि आप बड़े सहज ढंग से कहानी का जो परंपरागत शिल्प है यानी जिस कालक्रम से घटनाएं घटती हैं उसके हिसाब से उसको बढ़ाते चले जाते हैं लेकिन बीच में इस तरह के संकेत या इस तरह की पंक्तियाँ आ जाती हैं जो उस कहानी के मूल वक्तव्य को उस मनुष्यता की ओर या उस मनुष्य का जो देवत्व है उसकी ओर संकेत करती हैं क्या आप इन कहानियों में से किसी कहानी में से इस तरह कोई अंश पढ़े ऐसे एक कहानी जिसका इसका सबसे पहले आपने पहले किया पानी और पुल से ही पानी एक पुल पुल है। से में, जो पानी और पुल कहानी जहाँ समाप्त होती है उसमें मैंने पानी और पुल इसका एक प्रतीक भी लिया कि जब वो गाड़ी स्टेशन से आगे चली जाती है और गांव के लोग उनको बहुत रोकने की कोशिश करते फिर भी आकर गाड़ी तो थोड़ी समय खड़ी होगी कि गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियाँ हटाकर एक और की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी बह जा रही थी वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोछे जा रही थी पर टूटे हुए बांध का पानी बहता ही जा रहा था हमारी गाड़ी जेलम के पुल पर आ गई थी रात्र की उस निर्वतार में खडर खडर की तेज आवाज आ रही थी मैं खिड़की से झांककर कर जेलम का पुल देखने लगा मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है पत्थर और लोहे से बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में मैं देख रहा था मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी वहाँ अंधेरा घुप था पर मैं जानता था वहाँ पानी है झेलम नदी का कल कल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था तो एक पत्थर लोहे और पत्थर से बना हुआ पुल जो बहुत कठोर है वैसे पुल का प्रतीक ये भी है कि वो जोड़ता भी है परंतु सारी कठोरता के अंदर से जो, वो जो निर्मल कलकल -कल करता हुआ स्वच्छ जल है ये शायद मनुष्य की, की है की अपनी अंतरंग स्थिति वैसे भी सच्चाई तो यही है कि ये सारी चीजें ऊपर से आरोपित हैं आदमी तो जो है मूलतः मनुष्य ही है वो जात धर्म देश इन सब चीजों से जो बटा हुआ दिखाई देता है वो मुझे लगता है कि आरोपित चीज तो नहीं तो है अभी आपने कहा कि आप इस कहानी को पढ़कर भावुक हो जाते चालीस साल के बाद अगर मैं भी ये कहानी पढ़ूं तो मैं दोबारा भावुक हो जाता हूँ ऐसी स्थिति बन जाती है आपकी ये जो कहानियां हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो मूल प्रवृत्ति है अब तक जो आपने सारी कहानियां उन्नीस छप्पन उन्नीस सौ छप्पन में पहली आपकी कहानी मैडम प्रकाशित हुई थी उन कहानियों को हम छोड़ देते हैं जिनको आपने आपने भी छोड़ दिया है जो ऐतिहासिक <laughs> <आतियास्थ> कहानियां थी, <laughs> थी। <laughs> उन्नीस छप्पन से लेकर और उन्नीस सौ में प्रकाशित जो नई कहानी है उनमें लगता है कि मूल धारा ये तो एक विशेष अंश है जो मूल धारा है जिसको बार बार जो है लोगों ने रेखांकित भी किया है और वो है विशेष संबंधों की कहानियां और इन संबंधों की कहानियों में जो केंद्रीय पात्र हैं सब कहानियों में तो नहीं लेकिन बहुत सारी कहानियों में जो केंद्रीय पात्र हैं वो स्त्री पात्र हैं जैसे आपकी पहली कहानी जो मैडम है उन्नीस की मुंबई जहां आप उन समय थे उसमें से आपने एक स्त्री का चित्रण किया है और उन्नीस की जो आपकी अब तक की जारी कहानियाँ उनमें आखिरी कहानी है नहीं उसमें केंद्र में भी एक लड़की है और दोनों में बहुत फर्क है अब ये जो दो तो इसमें बहुत लंबा समय हो गया है ये अंतर इन दो स्त्री पात्रों में किस तरह से आया ऐसा है कि बम्बई की वो जो पात्र मैडम है वो भी जिस होटल में रहती है एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर की रखेल बनकर रहती है और सारे होटल में उसका केवल एक उपहास उसका मजाक और एक उसको एक बड़ी सस्ती चीज़ समझा जाता है पर मैंने कोशिश की कि मैं उसको जानूं कि ऐसी स्थिति में वो क्या सोचती है और उस भी, भी मुझे महसूस हुआ था कि औरत चाहे जितनी ही उपहास के पात्र क्यों न बना दी गई हो मूलतः वो एक स्त्री है और एक स्त्री होने के नाते उसके अंदर की जो भावना है जो करुणा है वो एक स्त्री होने के नाते व्यक्त होती है मैंने उसको जानने की कोशिश की थी सन छप्पन लगभग पैंतालीस वर्ष तो हुई गए और ये जो बिल्कुल अंतिम कहानी है नहीं ये बात आपकी सही है कि मेरी बहुत सारी कहानियों के जो पात्र हैं वो नारी पात्र हैं और उन पर केंद्रित बहुत सारी कहानियाँ हैं नहीं में मेरे सामने एक ऐसी आती है कि जिसके अंदर ये आज साहस पैदा हो गया है कि वो नहीं कह सके मुझे हमेशा अपने समाज से ये शिकायत रही है कि यहाँ नहीं कहने का साहस नहीं है हम किन्हीं मजबूरियों में हाँ करते चले जाते हैं हम बातों को स्वीकार कर लेते हैं चाहे हम चाहें या ना चाहें और ख़ास तौर से हमारी लड़कियाँ तो इसकी बहुत समाज की बनावट बनावट पर, बनावट पर, पर भी निर्भर करता और ऐसा होता रहा है। मैंने देखा कि यह समाज बदल रहा है इस बदलते हुए समाज में हमारे घरों की जो लड़कियां वो परिवार में रहते हुए भी और पारिवारिक मर्यादा का बहुत कुछ पालन करते हुए भी उनके अंदर यह साहस तो आ गया है कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है अब माँ बाप चाहें परिवार वाले चाहें कि तू इससे शादी कर ले पर यह मुझे पसंद नहीं और मेरी नापसगंदगी का भी एक कारण है जो इस कहानी के माध्यम से व्यक्त होता है कि वह दो चरित्रों को हाँ। वो ना कर देती है और जब उसके पिता बहुत खींच कर या उसकी माँ बहुत खींच कर कहते हैं कि भाई तू तो पच्चीस तो या छब्बीस की हो गई है कैसे होगा ना करती चली जाएगी तो उसका एक बड़ा सटीक जवाब है कि दरअसल बाद में पैंतीस छत्तीस की हो जाऊंगी जब तक हाँ कहने के लिए मेरा अंतर मुझसे नहीं कहेगा मैं हाँ नहीं कहूंगी और किन स्थितियों में वो दो पात्रों को तो कर मूल्यांकन कर कर करती है कि उसका एक अपनी, एक उसकी, अपनी है, उसकी अपनी एक पहचान है और अपनी एक मैं समझता हूँ कि इस बदलते हुए परिवेश को बदलते हुए वातावरण को और बदलते हुए संबंधों को भी हमें पहचानना चाहिए और यदि हम नहीं पहचानेंगे तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी कि जिनको हम नहीं चाहते और रोज़ अखबारों में हम देखते हैं कि दुर्घटनाएं दुर्घटनाएँ वो तो खैर है जैसे अब इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे इन दोनों कहानियों के जो स्त्री पात्र हैं कहा तो यही जाता है कि जो हमारे अनुभव में से गुज़रता है हमारे साहित्य में वही अभिव्यक्त पाता है तो इन स्त्री पात्रों से आपने जैसे अभी कहा कि अखबारों में इस तरह की तमाम चीज़ें छपती रहती हैं वहाँ से आपने इनको लिया कि व्यक्तिगत रूप से कभी इस तरह के मिलती जुलते स्त्री पात्र आपके संपर्क में आए जिनसे आप लगभग ऐसे पात्र मेरे संपर्क में आए इस संबंध में मैं, मैं समझूंगा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि विविध प्रकार के पात्र अनायास कहीं न कहीं मेरे संपर्क में आते रहे जैसे मैडम की बात मैं उसी होटल में रहता था जब बम्बई गया था जिस होटल में औरत रहती थी जिसको सारे उसमें मैडम कहा जाता था तो उसको मैंने निकट से देखा जाना उससे बातचीत की उसे थोड़ा संबंध बनाया जिससे कि मैं उसकी अंदर की बात जान सकूं नहीं पात्र की वो जो लड़की है मुक्ता, नाम दे दिया उसको भी नहीं। अभी अभी मेरे संपर्क में मैंने कैसी लड़की देखी कि जिसने सारी बात तय हो जाने के बाद तस्वीरें खींच गई फोटोग्राफर आ गए खाना पीना हो गया केवल इस बात पर उस लड़के को स्वीकार कर दिया कि उसने ये सारी घटने के बाद उसको कहीं दूर से एक टेलीफोन किया और टेलीफोन सुनने के बाद उसने तय कर लिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं उससे उसने उसको आ, अपने लायक नहीं समझे कहीं उसने टेलीफोन पर बातें की उससे ऐसा लगा कि उसको लगा कि इसके साथ जीवन नहीं मैं मेरा जीवन नहीं जा सकता अच्छा ये घटना मुझे पता लगी और चूँकि वो जो सारी घटना हो रही थी वो कहीं हमारे निकट हो रही थी हमारे परिवार के निकट हो गई तो जब सभी लोगों ने इस बात पर बड़ा अफसोस बड़ा दुख व्यक्त किया कि देखो कितना अच्छा मैच था कितना अच्छा घर था और सारी इतनी सेरेमनीज भी हो गई और इतनी बातें भी हो गई लड़की ना कह जा रही है मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने उससे जानना चाहा कि तुमने क्यों ना कर दी तो उसने कुछ बातें जो मुझे बताई तो मुझे लगा कि आ, इस लड़की ने बहुत सही कदम उठाया आपने जो है कई बार जो साक्षात्कार दिए हैं उनमें आपने अपनी तीन कहानियों को बहुत प्रिय कहानियाँ कहा है उनमें एक तो पानी और पुल है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके और दो कहानियाँ मैं समझता हूँ और है एक तो शायद कील है और एक है सन्नाटा ये आपको क्यों अपनी सबसे प्रिय कहानियाँ लगती हैं शायद इसके पीछे वही है केल की जो नायिका है वो एक तरीके से अपने पिता के साथ वो शायद मोना नाम है उसका मोना वो, वो अपने पिता के साथ जुड़ी हुई है और उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी तरह से पिता के निर्देश पर नियोजित होती रहती है कि भाई सड़कें शादी करनी है अरे ये तुम्हारी योग्य है कि नहीं है और आ, माँ चाहती है कि बात कहीं कुछ बने मगर पिता को बार बार ये लगता है और पिता के कुछ अपने ऑब्सेशन्स हैं कि वो शायद नहीं चाहते कि लड़की इतनी जल्दी घर से चली जाए बहुत सारे कारण अंत में वो लड़की खुद ये एक निर्णय लेती है कि हाँ मैं इस व्यक्ति से शादी करेगी थी ये निर्णय वो जानती है कि उसकी उसके पिता की इच्छाओं के विरुद्ध हाँ। बात जा रही पर निर्णय ले लेते और तभी वो शायद प्रतीकात्मक रूप से एक शीशे के सामने खड़ी और खुरच रही है तो एक कील सा निकल आया उसको खुरच देती है है एक एक प्रतीक प्रतीक बन बन वो जाता और वहाँ सा खून भी छलक आता है तो वहां भी मैंने एक निर्णय लेने की जो वो सड़की में एक जरूरत पैदा एक साहस पैदा हुआ शायद उसको मैंने कील के माध्यम से कहे और सन्नाटा कहानी में संबंधों में एक बात माँ और बेटी में माँ और बेटी की संवादहीनता आ जाती है क्योंकि माँ और बेटी दोनों ही अपना जीवन अपने ढंग से जी रही हैं और एक छत के नीचे रहते हुए भी व्यक्ति कितने अजनबी हो जाते हैं एक दूसरे के लिए संवादहीनता समाप्त हो जाती है और कहीं से अगर कोई एक तीसरा व्यक्ति आ जाए तो कुछ क्षणों के लिए वो संवादहीनता टूटती है और लगता है जैसे एक परिवार है एक माँ और बेटी है नहीं तो वो संवादहीनता कैसे हमें अजनबी बना देती है एक दूसरे के प्रति शायद ये नहीं बात वै, है। वैसे उसमें संकेत तो आपने नहीं दिया है लेकिन दोनों कहानियाँ जो हैं इनमें फ्राइड के जो अपने सिद्धांत हैं उनकी भी कहीं कहीं झलक सी मिलती दिखाई देती है जैसे पिता का जो है पुत्री के प्रति आकर्षित होना माँ और बेटी के का एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना होना जो फ्राइड कहता है हालांकि आपने उस तरह से फ्राइड के सिद्धांतों का तो उसमें कहीं उपयोग नहीं किया है लेकिन एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि कहानियां तो आपने जो आपकी सारी छपी उसमें शायद एक सौ बारह कहानियां लेकिन उपन्यास तो एक ही आया और आप कई बार कह चुके हैं कि एक और उपन्यास में लिख रहा हूं और जल्दी आने वाला <laughs> लेकिन आया नहीं क्या है? <laughs> बात है बात यह है कि उपन्यास लिखने के लिए एक बहुत लंबी सेटिंग चाहिए और आ, मेरे सामने समस्या ये होती है कि कहानी लिखने का समय तो मैं निकाल लेता बहुत सारी व्यस्तताओं के मध्य से उपन्यास लिखने का और एक, एक लंबी बैठक देने का उपन्यास के लिए वो समय नहीं निकाल पाता पहला भी उपन्यास तब दिखा जब एक वर्ष के लिए मैं जापान गया और वहाँ बहुत निश्चिंत होकर मैंने उपन्यास किया अब मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सारी अपनी व्यस्तताएँ भूल कर ये जो सारे दिमाग में घूम रहे आपके उपन्यास हैं दो तीन उपन्यास जिनकी आपने चर्चा की इन उपन्यासों को आप कागज पर उतारे अब मेरा तो बहुत देर हो जाए हाँ, 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 देर मैं हो। क्योंकि आ, मैं जानता हूँ कि पहले ही बहुत देर हो चुकी हाँ, है और अब मैं ये एक तरीके से मेरे सामने एक निश्चय है कि मैं पहल देकर हाँ, अब ये जो अधूरे, अपने अधूरे अपने को सब तरफ से काट और, के जो काज करना पड़ेगा और अपने को समेट कर ये मुझे करना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपकी इस एक पुस्तक और बाकी कहानियों के संबंध में हम लोगों ने जो बातचीत की वो बातचीत बहुत मुझे लगता है कि शायद अच्छी बातचीत हम लोगों ने की लेकिन संतोष तो नहीं होता संतोष इसलिए नहीं होता कि इतने सारे पक्ष हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते थे लेकिन समय की अपनी सीमा है इसलिए मैं आपके प्रति इस के लिए बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ आपने इस सारी बातचीत को इतने अच्छे और इतने सहृदयतापूर्ण वातावरण में सारा से किया कि मुझे स्वयं आ, अपनी कहानियाँ एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने आ गईं और जैसे मैं अपनी कहानियों को फिर से एक बार जी उठा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद